एरे की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एरे फॉर्मूले के ऊपर, और एरे फॉर्मूले के कुछ एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टार्ट डेट है और एक एंड डेट है, मुझे पता करना है इन दोनों बीच की वैल्यू, आखिर इस दिनों के बीच के सेल में कितने सैटरडे कितने संडे है। हालांकि 2013 आने के बाद, 16 आने के बाद, 16 आने के बाद इसका कोई रोल नहीं रह गया, बट इस क्वेश्चन को मैंने 2007 में बनाया था, तब से चल रहा है। तो क्या सलूशन होगा एक्सेल के साथ करें तो, नए मतलब कि नए एक्सेल में, तो नए एक्सेल में कुछ नहीं आपको करना है, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट को करके इंटरप्रेट करना। 30 आएगा, एक हमेशा कम आता है, इसमें प्लस वन कर दे, 31 दिन आए। और फिर नेटवर्क डेज डॉट INTL लगाएं, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, और मुझे सैटरडे को इग्नोर करना है, और यहाँ हम सैटरडे इग्नोर कर, एंटरप्राइज कीजिए, 26 आया। अब मुझे 31 में से 26 को घटाना है, तो 5 सैटरडे, 5 संडे, ठीक है। लेकिन ये चीजें तो मैंने बताया कि आपका 2013 ऑनवर्ड होगा, उससे पहले नहीं हो पाता, क्योंकि हमें नेटवर्क डेट डॉट INTL का फॉर्मूला 2007 में नहीं है। तब क्या करें, इसके लिए हम बेसिक कंसेप्ट को पूरा करते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे प्लस वन नहीं, पहले इसको लिखेंगे, और 1 से लेके 31 तक का डेट को मैं लेके आता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि हम मैनुअल कंसेप्ट को पहले करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले को क्या करेंगे, एरे में कन्वर्ट। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के DDD कर दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि नंबर ऑफ डेज है कितना। तो इसमें मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ डेज हमारा कितना है, ठीक है, कौन सा डेज है। फिर इफ कंडीशन लगाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा कि अगर इक्वल टू सैटरडे, सैटरडे ढूंढना हो, इसे सैटरडे है तो 1, अदरवाइज 0, और नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे, और फिर इसका क्या करेंगे, सम निकाल, तो आ गया 5। लेकिन इन चीजों को एक सेल में कैसे करें, सेम उसी तरह से सम, क्योंकि फाइनल रिजल्ट मेरा सम दे रहा है, 5 जो सम दिया। फिर हम देंगे इफ, फिर देंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम सेलेक्ट करेंगे इसको, एंड प्लस, प्लस में मैं यहाँ पे यूज करूंगा सीक्वेंस फॉर्मूले का। सीक्वेंस फॉर्मूले में हमने बोला रो कितना चाहिए, तो हमने यहाँ ऑटोमेट कर देता हूँ इसको, इसमें से इसमें -1 कीजिए और +1 कर दीजिए, कॉलन 1। स्टार्ट किससे होगा, 0 से, और स्टेप 1, और यहाँ पे कॉमा DDD, 3 बार DD, और इक्वल टू सैटरडे, तो 1 अदरवाइज 0, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट 5 आया। अब आपको समझना है कि ये 5 वर्क कैसे किया, तो देखिए सबसे पहले A4 सीरीज फॉर्मूले ने क्या किया, दोनों डेट के बीच का डिफरेंस निकाल कर दिन बनाया, और जैसे कि मैंने बताया कि एक कम होता है, इसलिए इसने 31 दिन ऐड कर दिए, और फिर सीक्वेंस फॉर्मूले ने 0 से लेके 31 तक का सीक्वेंस बना दिया, और सब इसमें प्लस होते चले गए। प्लस होने के बाद डेट बना, फिर टेक्स्ट ने इसको कन्वर्ट कर दिया सैटरडे एंड संडे के फॉर्मेट में, फिर इफ ने जहां जहां सैटरडे था वहां वहां ट्रू, और जहां जहां नहीं था वहां वहां फॉल्स लगा दिया, और आपके सामने 0 1 फिल हो गया। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे एवलेट कीजिए तो 5 आए। डाउट इसमें,
सर, अब क्वेश्चन नंबर टू भी नेक्स्ट सिमिलर ही है। मुझे यहाँ पे ये पता करना है कि सेकेंड सैटरडे का डेट क्या है। क्या पता करना है कि सेकेंड सैटरडे या लास्ट सैटरडे का डेट पता क्या है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 1 अगस्त का डेट डाल देता हूँ, चाहे हेलो1 सितंबर ही डाल देता हूँ। बोलिए हेलो। बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर 13 में सिक्वेंस का फॉर्मूला नहीं है तो सिक्वेंस की जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें ये पाइप निकालने सीक्वेंस के लिए? के फॉर्मूले के लिए नहीं है तो आपको करना पड़ेगा रो रो में इस तरह से वन के यहाँ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर में आप डालेंगे इन्वर्टेड कॉमा में 0 से लेके 0 1 होगा, माफ कीजिएगा, 1 से लेके ये एंड परसेंट और 31। 31 को आप मैन इंडेक्स सर, इंडायर इंडायरेक्ट इनडायरेक्ट लगाना है। लगेगा, ठीक है, इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में 1 से लेके एंड परसेंट और डालिएगा 31, अपना ले आइएगा माइनस करके, समझे? ओके। दिख गया, 1 से लेके आ गया ना। चलिए चलिए, इसको हम इसी से बनाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? इसका भी सेम सीक्वेंस है कि इसमें हम प्लस करके 31 दिन लेके जाएंगे, 30 दिन, सॉरी 30 दिन लेके आए। 30 दिन लाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फॉर्मूला टेक्स्ट का। टेक्स्ट में हमने कर दिया डी 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 और यहाँ पे नीचे एंटर कर दिए। फिर यहाँ पे इफ का कंडीशन कि अगर ये सैटरडे है तो ए दिखा, अदरवाइज कुछ फॉल्स दिखा। और फिर मुझे सेकेंड सैटरडे चाहिए तो स्मॉल का फॉर्मा लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करके करेंगे टू, आ गया डेट हमारे पास 10 सितंबर। अब इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ स्मॉल का फॉर्मूला लगेगा, स्मॉल के फॉर्मूले में हम लगाएंगे इफ का फॉर्मूला, इफ के फॉर्मूले में लगाएंगे टेक्स्ट का फॉर्मूला, टेक्स्ट में इस डेट को सेलेक्ट करके प्लस। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि हम सीक्वेंस नहीं देंगे, हम लगाएंगे रो, सॉरी रो रो में लगाएंगे इनडायरेक्ट, इंडेक्स हो गया इनडायरेक्ट, और इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ देंगे 1 के साथ कंबाइन करेंगे डे डे ईओ मंथ, क्योंकि मुझे पता नहीं चाहिए कितना दिन का है, तो डे निकाल के हमने दे दिया और जहां से यहाँ पे क्लोज किया। और -1 करना जरूरी है, वरना 1 से शुरू होता है ना, हमें 0 से चाहिए, क्योंकि 1 सितंबर में 1 जोड़ेंगे तो 2 सितंबर हो जाएगा ना। कॉमा फॉर्म फॉर्मेट में डी 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 इक्वल टू सैटरडे, ऐसा हो तो वैल्यू क्या आना चाहिए? ए जो हमने किया हुआ ना, ए प्लस और यो मंथ, ए पूरा चाहिए हो। और एंटर प्लेस करेंगे, नहीं एंटर नहीं, इस पे हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और इफ आना है स्मॉल, यहाँ पे सेकेंड सैटरडे के सेकेंड डाला, एंटर प्लेस किया। इसमें 11 सितंबर आया क्योंकि हमने इसमें -1 किया तो है, 11 सितंबर क्यों आ रहा है? चलिए एलिमिनेट कर, यहाँ पे इस सारे डेट को हम कर देते हैं इसमें नंबर फॉर्मेट, ताकि हमें एलिमिनेट करते समय प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा एक बार चेक तो कर लूँ, यहाँ वैलिडेट तो कर लूँ, सेकेंड सैटरडे किस दिन को है? फर्स्ट सैटरडे 3 को है, सेकेंड 10 को है, सही है, 10 आना चाहिए, तो 18 105 डे 30, 1 से 30, 1 से 30 में इसने टूटा, पहला दूसरा तीसरा
तीसरे पे ट्रू आया, सही। यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठा, गलती हुई यहाँ पे, क्योंकि तो हमने यहाँ माइनस नहीं किया हुआ। आवाज 10 सितंबर, समझे? इसलिए मैं सीरीज का फॉर्मूला लगाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो दो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ सॉल्व कर दिए। तीसरे क्वेश्चंस की बात करें, अब क्वेश्चंस हम अब बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। मुझे क्या करना है, वर्किंग आवर निकालने हैं। मैं एक प्रोडक्ट एक प्रोजेक्ट को मैंने इस तारीख को इतने बजे लिया और इस तारीख को इतने बजे छोड़ दिया, तो कितना घंटा मैंने काम किया। मेरी ऑफिस 9 से 18 बजे है, 9 से क्या है 18 बजे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में इनको आपस में सम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 छोड़ दीजिए, 5 भी दिए गए। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे इसमें से सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो मुझे यहाँ पे हर तीसरा डेटा को सम करना है, हर तीसरे डेटा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मुझे से इसमें यूनिक कितने हैं और डुप्लीकेट कितने हैं उसको काउंट करना है। तो एक बार एक कैलेंडर ट्राई कीजिएगा, कैलेंडर है क्या ऐसा, इसमें बना हुआ कैलेंडर, इसको समझना है और बनाना है। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आना चाहिए ना, मैं 11। क्वेश्चन 11 में क्या है कि आपको यहाँ पे तो भी मैं नंबर लिखूं, लास्ट वाला नंबर यहाँ शो होना चाहिए। क्या शो होना चाहिए, लास्ट का नंबर। यहाँ पे 182 है, ये शो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर में एक डैशबोर्ड आपको बनाना है, तो डैशबोर्ड के बारे में हम सैटरडे संडे की डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये फाइल आपको मेल करूँ या व्हाट्सएप करूँ? हेलो हेलो, कुछ भी कर दीजिए मेल सर, मेल कर दीजिए, मेल कर दीजिए। चलिए हम मेल करते हैं।